महेश चामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें आज दारुल फलाह मस्जिद के पास ही जुमा के नमाज खत्म हुई, उसके बाद ही यहां पर एक देखेंगे कि जो ठाणे टीएमटी की जो बस है, ये बस का जो है स्टेयरिंग फेल हो गया था और यहाँ डिवाइडर से ये बस जो है टकराते बची। हालांकि ड्राइवर जो था उसने काफी कंट्रोल किया, एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर जो है बच गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी ज्यादा थी और साइड में जो है दुकानें लगी हुई थी और काफी नमाजी यहाँ से जा रहे थे उस टाइम पे। ये स्टेयरिंग जो है टीएमटी बस की बताया जा रहा है कि फेल हुई है। लेकिन इसी तरह से रॉन्ग साइड एक टीएमटी की बस जो आ रही थी उसमें एक जो है समाजवादी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका एक्सीडेंट हो गया था। समाजवादी पार्टी के लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज इस बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, इसके अभी कुछ दिन पहले ही एक टीएमटी की बस से जो है एक समाजवादी पार्टी के नेता थे उनका एक्सीडेंट हो गया। देखिए आज जुमा का दिन है और दोपहर नमाज के वक्त जिस तरीके से आज ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट तो हुआ डिवाइडर को बस ने ठोका उनकी स्टेयरिंग फेल होने की वजह से। तो अब सुबह में जब बस निकलती है तो ये प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है इसमें, जिसकी वजह से ये लापरवाही है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही, हम मानते हैं कि भाई रोड है, रोड पे कुछ भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज ये एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट होने के बाद भी ना ही तो इसके ऊपर कोई भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है, ना ही तो ट्रैफिक इंसान। एक बात और आपको बता दें कि काफी देर हो चुका है ये हादसा हुए, लेकिन अभी तक जो है ट्रैफिक विभाग का कोई भी कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचा। हालांकि बस जो है वो दुरुस्त करने का काम जो है किया जा रहा है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक इंचार्ज नहीं है, ना ही तो जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, और ना ही तो इनकी बस यहाँ से हटने के लिए इनकी सर्विस बस जो रहती है इनको जो सिग्नल दिया जाता है मैकेनिक वगैरह है कुछ भी टोचन देने के, कि यहाँ से ये बस को हटाया जाए जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। दो घंटे से यही चल रहा है और चार दिन पहले ऑलरेडी हमारे एक कार्यकर्ता है जिनका टीएमसी बस जो है वो रॉन्ग साइड से आने की वजह से वाई जंक्शन पे बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, जो अभी भी कालसेकर हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, जिस तरह से बसों का सवाल उठता है तो ये भी कहा जाता है कि जो बसें मुंब्रा में चल रही ये काफी पुरानी हो चुकी है, इनकी हालत भी बसों की जर्जर है। ये हकीकत है और इसके लिए कोई मतलब हाथ कंगन को आरसी किया, जो अभी दो बस खड़ी है उसके अलावा यहाँ जो मैकेनिक आया है उसको अनऑफिशियली मैंने मराठी में पूछा कि क्यों इतनी देर हुई, तो उसने दो वजह बताया कि जो ब्रेकडाउन वैन है जो इसको मतलब ऐसे पिकअप करेगी वो ब्रेकडाउन वैन का भी ब्रेक फेल हो चुका है, इसके लिए वो नहीं आई। अब मैकेनिक को भेजा गया है, वो कलवा में पहली ड्यूटी वाले मैकेनिक जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले वो दो बजे या ढाई बजे चले गए, यहाँ पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग गया, इसके वजह से देर हुई। मैंने ट्रैफिक पुलिस के हवलदार को पर्सनली फोन किया, हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पे डेढ़ घंटे से खड़े हैं। क्योंकि खेड़ेकर साहब का फोन कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया तो हम लोग ने ट्रैफिक हवलदार को कॉन्टेक्ट किया, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहा है। हम लोग ने यहाँ पे गाड़ियां वड़िया हवलदार पहले जो आए उनकी मदद से हटा दिए, अब थोड़ा ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे सीरियस बात यह है कि ये बस राइट की जगह अगर लेफ्ट में मुड़ जाती तो दारुल फलाह मस्जिद का ये इलाका है, नमाज का वक्त है और यहाँ पर फेरी वाले जो है वो गाड़ियां लगाते हैं। अगर किसी की मौत हो जाती तो क्या मरने के बाद प्रशासन जागता? ऑलरेडी हमारा भाई निजाम भाई जनरल सेक्रेटरी मुंब्रा कलवा समाजवादी का कालसेकर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी टीएमटी बस ने सिर्फ उड़ाया नहीं है बल्कि रॉन्ग साइड से आके उड़ाया है। उसका केस ऑलरेडी समाजवादी पार्टी कर चुकी है और उस पर हम लोग आंदोलन और आगे की कार्रवाई का विचार कर रहे हैं। तो ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ की रूलिंग पार्टी और जो टीएमटी में गैर तरीके से चुनकर जाते हैं वो रूलिंग पार्टी के नेता। अभी ऑलरेडी पत्रकार और ये जो दूसरी पार्टियों के लोग सवाल उठा रहे हैं कि शमीम खान साहब कौन से कागजात पर टीएमटी कमेटी के मेंबर बने, तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ शमीम खान साहब के बारे में नहीं, ये पूरी टीएमटी कैसे चलती है, इसकी कमेटी कैसे काम करती है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी इंक्वायरी करेगी। और टीएमटी का जो मुंब्रा में रुख है और जो रूलिंग पार्टी का रुख है, हम कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक दे और बदलाव लाए। ये हर मामले में मुंब्रा पे जुल्म कर रहे हैं, किसी भी मामले में हो हमारे पास जुल्म हो रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा समझिए होने से बच गया है, उसे ड्राइवर की सूझबूझ कहे
या फिर डिवाइडर से टकरा या जो जैसे कहे कि मतलब एक इत्तेफाक भी कहे कि बच गए हैं। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, जितनी भी भंगार गाड़ियां बॉम्बे की है वो सब यहाँ चलाए जा रहे हैं खेड़े में जो है। अब वहाँ पे तो चल नहीं है, वहाँ तो नई गाड़ियां आ गई है चलाने के लिए, ऐसी गाड़ियां चल रही है। यहाँ भी जितनी भी भंगार वहाँ उठा के यहाँ चलाया जा रहा है, यहाँ की पब्लिक को जो है ये सौंपा गया है, अब उस पे चले जो है। यहाँ के जो लोग हैं जो भी सिस्टम में है वो इसको गलत फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ के लोग इंसान नहीं जानवर, इसके लिए इस तरह उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। भाई देखो, एक 12 बजे से ये बस बंद है, बराबर है भाई। कसम खुदा की, अगर ये सेशन अगर कलवा में और थाना में रहता तो ये 10 मिनट गाड़ी खड़ी नहीं रहती थी भाई। अरे क्या जुलूम है यार, क्या है, क्या नाटक चालू है लोग का। मेरे मेरे अंग के ऊपर से बुलडोजर जाएंगी, मेरे अंग से ट्रैक्टर जाएगा, मेरे अंग से फलोना जाएगा, मैं तो कुमार भारी। क्या है यार, नहीं अच्छा लगता यार। इतना भी जुलूम मत करो गरीबों के ऊपर। ये अभी 2 घंटे से बंद है नमाज, मैं इधर ही पढ़ा कसम खुदा की, मैं पठान की औलाद हूँ, मेरे को जान जलती अपने 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 नेताओं का। इनको खुद को नहीं मालूम है इनका कॉर्पोरेटर कौन है, और कॉर्पोरेटर का मतलब क्या है, कॉर्पोरेटर का मतलब क्या है। नहीं, ये तो एक हादसा था समझिए कि मतलब स्टेयरिंग फेल हो गया बसों के ऊपर, आप आवाज उठा सकते हैं, काफी जर्जर बसें यहाँ पर चलाई जा रही हैं, इन सबसे नेताओं को आवाज उठाना चाहिए। क्या बोलूं मैं, ये 12 बजे से बस पड़ी है, 2 सेकंड नहीं लगता था। कोई भी ट्रैफिक का कांस्टेबल नहीं आया यहाँ पर जो है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरी बहन, ये मेरी पठान बहन है, कसम खुदा की हम लोग ही सिर्फ ऑब्जेक्शन ले रहे थे, इसमें मतलब क्या है, क्या बताओ ना मेरे को आप। भाई हमारे महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे उनका मोटो लिख के आता है कि सेफ एंड एक्सीडेंट फ्री सर्विसेज। तो हम प्रशासन से पूछना चाहेंगे, हम समाजवादी के सभी सारे कार्यकर्ता प्रशासन से ये पूछना चाहेंगे कि कहाँ है सेफ एंड एक्सीडेंट फ्री रोड, हमको कहाँ है एक्सीडेंट फ्री सर्विसेज। मुमरा में यहाँ पे डंपिंग की वजह से ना ही तो हमको जो एयर भी है, हवा जो आ रही है वो भी, उसमें भी पॉल्यूशन है, और आज जो है हमारे जो रोड है वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है चलने के लिए। ट्रैफिक से परेशान, बिजली के बिल से परेशान, मुमरा वासी हर चीज से परेशान ही है यहाँ पर। लेकिन इस्लाम भाई, ये मुसल्लम एरिया में क्यों पुरानी बसें, क्यों ये जुल्म क्यों हो रहा है हमारे पर? सब मिलके आवाज उठा, आप लोग भी हमारा साथ दो, पब्लिक बन के हमारा साथ दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बसें बंद करो, ये बंद करो, अल्लाह के वास्ते बंद करो। एक बात मैं आपको बोलूँ, बसें बंद करो या अच्छी बसें चलाओ, अच्छी बसें लाओ या पुरानी बसें। ये आपने जो बोले ना, कसम खुदा की मैं भी जा रहा था 12 बजे, मैं नमाज यहाँ पर अभी के अभी ये बस बंद है, पूरी ट्रैफिक है। देखो ये देखो, देखिए आपने ये हरकत है इनकी। इस्लामुद्दीन भाई, एक समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे थाने जिला अध्यक्ष सैयद बादशाह और हमारे मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष कलीम जामई, इनके नेतृत्व में जल्दी हम लोग मतलब पीएमटी में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे और इस मसले को हम लोग आखिर तक मतलब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी आपका शुक्रिया अदा करती है। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये बस जो है नमाज के वक्त दोपहर 12 बजे के वक्त जो है बताया जा रहा है कि इस बस की स्टेयरिंग जो है फेल हो गई थी और एक बड़ा हादसा होने से बच गया था, क्योंकि यहाँ पर नमाज के लिए लोग आ रहे थे और यहाँ पर काफी फेरी वालों की दुकानें भी लगी और ट्रैफिक भी देखेंगे आप कि किस तरह से यहाँ पर इसी तरह का माहौल ट्रैफिक का भी था। एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर होने से बच गया है।